क्या निकाल के बैठ गए हैं? अरे ये देखिए बिल है मेरा, जेब में से निकाल लिया आपने? जाहिर है, ये इन्होंने मैंने कहा था, मैंने कहा ये बिल मेरा कम कर दो 14,000 रुपए का। ये मेरा 24,000 का बिल था। ये दिखाएं जी। अच्छा 24,000 रुपए का 2 महीने का बिल था। 24,000 रुपए मेरा मकान किराए का है, मैं रक्षा चलाता हूँ। फिर किस तरह अदा किया है? ये मैंने अभी वो अपने रक्षे की फैल दिया वहाँ पे जमा करवाई है डीलर के पास। अच्छा वहाँ पे मैंने 50,000 रुपया लिया है शूज पे, उसे मैंने वो 95,000 रुपये वापस दे दिए। मैंने ये 14,000 रुपये मैंने उनसे कहा था, मैं यार ये मुझे तरीक आके बढ़ा दो, 15 तरीक है, मुझे 17 तरीक कर दो, मैं आपको ना फिर दोबारा कर दूंगा, तो नाले बिल जो है वो 10,000 का कर दूँ, इसलिए 10,000 की किस्त कर दो। हाँ जी, और 2 दिन दे दो मुझे। 2 दिन मैंने ऊपर दे, इन्होंने ना मुझे 2 दिन के ऊपर दिए, तो बिल भी मेरा 14,000 रुपये का कर, मैं 10,000 के बच्चों के बच्चे लगाए हुए थे 20,000 रिक्शे पे छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए मैंने वो 10,000 रुपया था, मैंने फिर फौरन जाके वहाँ वहाँ पे रात को, ये देखे आप पढ़ते थे वो अपना ये GPO जो वहाँ पे रात को मैं 8 बजे गया हूँ, जाके मैं खड़ा जाके पैसे पकड़े हैं, पैसे पकड़ के 8 बजे में जाके तो रिक्शे की फाइल दे के आपने 50,000 लिया है। हाँ जी, और 95 वापस करना है। 95 वापस देना, 100 रुपये मैंने लिया, वो 5,000 रुपये उसे मिलना किस्त देनी है। मैं सिर्फ मजबूर था, मेरा बिल ना काट दे, 2 महीने का बिल था मेरा। मीटर कट जाना साहब? मीटर कट जाना, मेरे सिर्फ ये मजबूरी की वजह से मैंने ये कदम उठाया। मेरी 4 बेटी हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, अच्छा ड्राइवर। अब ये हार रोड जा रहा हूँ, ये अपना ये बेगम का ना ये मोबाइल था, ये मोबाइल सेल करके जा रहा हूँ हार रोड। क्यों? मुझे पैसे की जरूरत है, वो मालक मकान किराया मांग रहा है, किराया नहीं है मेरे पास। तो घर की चीज़ें बेच देंगे? मैं क्या करूँ, मजबूरी है, अपनी इज्जत भी तो मैंने बचा ली है। मालक मकान निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊँगा बेटियों के साथ? मैं वही, मैं अपनी बेटियों के साथ कहाँ जाऊँगा? मुझे ये बताइए, मैं कपड़ा उठाऊँगा, मेरा पेट नंगा होगा ना, मैं किसके पास जाऊँगा, किसके पास जाकर मैं रोऊँगा? महंगाई कम हो गई, आवाम खुशहाल हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ वहाँ पर सिर्फ दहाव है। कितने घंटे आप चलाते हैं रोज़ रिक्शा? मैं सुबह 6 बजे निकालता हूँ। और रात फिर कब? रात को मैं 7-8 बजे तक 9 बजे तक निकालता हूँ, वही 12-14 घंटे। मैं 12-13 सौ रुपये कमाता हूँ, कभी आटा ख़त्म हो जाता, कभी चीनी ख़त्म हो जाती, सारा कोई ना कोई चीज़ें बोल ले जाता। बेटियों की शादी के लिए क्या सोचा है? है नहीं, तुम सोचना क्या, 17 अक्टूबर को ये 18 साल की हो जाएगी। 2-4 साल रह गए, कोई रिश्ते विश्ते आने शुरू नहीं हो गए घर पे? कुछ भी नहीं अभी किया मेरे पास, है ही कुछ नहीं, तो मैंने क्या करना है, मेरा करना किया। बेटियों की तालीम का कोई सिलसिला किया है कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, वो 9वीं में पढ़ के मैंने घर बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया। कुछ सरकार आप तक कभी नहीं पहुँची? कोई भी बात ही नहीं की कभी किसी। वो तो आपको मुफ्त आटा और राशन बांटते रहे, कुछ भी बुला बुला के लोगों को कार्ड देते रहे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। किस किस दौर में हालात बेहतर थे? मेरे पहले वो 2012-13 में, 14 में नवाज शरीफ के टाइम पे, फिर हालात खराब होना शुरू हुए। तो अब भी तो नवाज शरीफ की हुकूमत ही है, भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला। मेरे पास जो सी मर्जी की हुकूमत हो, हमने कमा के वही खानी है, 2 रोटी अपनी कमा के हमने खा ली, कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला है। आज तक किसी को बताया, कोई किसी को कुछ दे रहा है, मुझे बताया। 16 लाख नौकरियां पाकिस्तान में हर साल चाहिए लोगों को, अगर 16 लाख नौकरियां मिले तो लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। सरकार कह रही है कि हम रोज़गार के नए मौके पैदा कर रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, गुर्बत कम हो रही है। हमने कल मिल रही है, अगर होता होता जब मैं पागल हूँ, जब मुझे सारी चीज़ें बेच दिया सारा चीज़ें को, मैं उसे करता लूँ। तो बेटियों का जहेज इकट्ठा किया कि नहीं? कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। आप आके मेरा दे सकते हैं सर, आपको पता लग जाएगा। मैं साल बाद तो जाके 4 कपड़े भी सुनाता हूँ बच्चों को जाके ईद के। खाने का सिलसिला किस तरह चलता है? मैं वही कह रहा हूँ, 12-13 सौ रुपये ऐसे कमाता हूँ, और तो बच्चों को लगाए हुए 20,000 रुपये किराया वहाँ पर। घर पर गोश्त लेके जाते हैं बच्चियों के लिए? वो महीने में 15 दिनों के बाद वो तो कहती रहती है। बेटियाँ 30 रुपये में रोज के दे रहा हूँ बच्चों को। कितने? 30 रुपये रोज के बच्चों को। 30 रुपये तो छोटा बच्चा नहीं लेता आजकल। मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, मेरी बेटी वाला शुक्र ले लिया, उन्हें पता मेरे लास्ट किस तरह दिया, 4 बेटियों और 3 बेटियों को दे रहा हूँ, दूसरी बेटी को फिर भी मैं दे रहा हूँ। अल्लाह के ऊपर लेनी छत्ती वाला बैठा हुआ ना, वो अच्छा फैसला करता है, जब बंदा उसके ऊपर छोड़ दे ना फैसला, मतलब वो फैसला अच्छा करता है।
बंदे से बहुत अच्छा मतलब। आप ये हकीकत बात कर रहे हैं अगर रोज़ खर्चे के लिए 30 रुपये दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप जहाँ पे पता है मैं आपको नंबर देता हूँ, आप नंबर पे फ़ोन क्या करके पूछ सकते हैं उन्हें कितने पैसे बच्चों को मिल रहे हैं, वो आपको बता देंगे कभी पापा देते कभी नहीं देते, फिर आपको यकीन आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपको नंबर देता हूँ आप नंबर पर बात करें, आपको पता लग जाएगा वाकई मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। किस तरह को बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं? अल्लाह ही करेगा, वो भी बेहतर करेगा। आपने वोट नहीं दिया इन लोगों को? नहीं मैंने वोट नहीं दिया। आपकी मर्जी के हुक्मरान नहीं है? नहीं मैंने वैसे नहीं वोट दिया, इधर मैंने वोट डाला ही नहीं। मरियम बीबी कहती हैं मैं 16 घंटे काम करती हूँ आवाम के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सोते ही 2-4 घंटे हैं सिर्फ, सारा दिन काम करते हैं आपके लिए। बात देखिए चाहे नवाज शरीफ आ जाए, बेनजीर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए हुकूमत, हाँ मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कमा के रोटी। कब तक घर की चीजें बेचते रहेंगे? जब तक आप इज्जत बचानी है। सवाल इज्जतों पर आकर खड़ा हो गया है, अंदाजा करें पेट की भूख मिटाने के लिए पेट के ईंधन में, पेट की आग में ईंधन ईंधन जलाने के लिए यानी रोटी खाने के लिए चीजें बेचनी पड़ रही हैं अपनी। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पेट है, ये दुश्मन है। हाँ इसकी खाता खाता सारा कुछ, ये मचाता इंसान को, सारा करते ही इसके लिए सारा कुछ, अब जिसकी मर्जी हुकूमत आई, हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हमने तो अपनी रोटी कमा के खाई। क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि फौरन ज़रा सस्ती हो जाए तो ज़रा रिलीफ मिल जाएगा? कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तंग करती है? वो बिजली का बिल, वो राशन के पैसे, बिजली का बिल और वो ये जो चीज़ मंगाई है ना, जो चीज़ ये सारी बड़ी कम है। अब देखिए 300 रुपये में 1 किलो की गैस है, अब 2 किलो में गैस डलवाता हूँ।